We have our colleague who's also joining us from Jaipur. Gajraj is live with us. Gajraj, over to you. What's the scene like at the Jaipur airport? Are you seeing long queues there as well? Servers affected? What's really is the ground situation like there? See, just a few minutes back, there was a queue at the departure gate right behind the camera person. I'll ask him to show the departure gate. That's the departure gate right there. And from there, people have been reaching to this particular counter of this private airlines. And right now, I'm with a few passengers, although few have already left the airport and people are just coming and leaving this particular spot, disturbed by the, nuisance that has been created by the, server issue here. We'll speak to them because they have been traveling from, 300 kilometers from Jaipur, and they have come from Nagaur, and they want to fly overseas, and now they also have baggage issues, and they have a word that if you're doing things manually, why their baggages can't come out. We'll speak to a few of them over the same. Hum sir Nagaur se aaye hain. नागौर से हैं सर। नागौर यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है। आपको इशू क्या रहा? इशू ये है सर, हमारा बैग आया था 3 दिन पहले। तो उस समय जब बंदा हमारा ये बंदा है, ये सऊदी से आए थे, तो इनका बैग होल्ड कर लिया यहाँ पे। पहले तो इशू दिया गया था सिक्योरिटी रीजन कि कोई सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम आपका बैग होल्ड कर रहे हैं और चेकिंग करके हम आपको दे देंगे, 4 घंटे होल्ड रखो। तो हमने सर चार घंटे हमारा बंदा एयरपोर्ट पे भी रहा है, इतनी दूर से सऊदी से आए हैं सऊदी से, उसके बावजूद 4 घंटे यहाँ पे वेट किया है बैग के लिए। लेकिन 4 घंटे बाद में फिर यहाँ पे एक बंदा था, उन्होंने बोला है इनके एयरपोर्ट का, इंडिया एयरलाइंस का ही, तो इंडिगो का, तो उन्होंने ये कहा है कि आपका बैग सिक्योरिटी रीजन नहीं था, हमारी फ्लाइट लेट थी, इसकी वजह से हमने होल्ड किया है। तो एयरपोर्ट स्टाफ ही दो बात आपको बता रहा? एयरपोर्ट स्टाफ कुछ नहीं बोला। एयरपोर्ट जब हम आए, आते ही तो बोला गया तुम्हारे बैग में कुछ ऐसा सामान होगा, उसकी वजह से तुम्हारा रोका गया है, 4 घंटे के बाद हम तुम्हारा क्लियरेंस दे देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला, एक नंबर भी हमें दिया था, उस पर हमने कितनी बार कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। परसों शाम को फोन आता है 6 बजे, बोलता है तुम्हारा सामान इधर आ चुका है, आके तुम कलेक्ट कर लो। ठीक है, आज हम जब सुबह से आए हैं तो इधर उधर घुमा रहे, कभी बोलते सर्वर नहीं डाउन चल रहा है, फिर बोलता है तुम 1 घंटा बाद आओ, फिर हम 1 घंटा बाद आके फिर चेकिंग करता है, फिर एक दूसरा बैग लेके आते हैं, बोलता है ये बैग तुम्हारा, बोला हमारा बैग ये नहीं है, फिर बोलते तुम्हारा बैग इधर आया ही नहीं है। आप 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, लगभग एयरपोर्ट पे आप कितने घंटे से? हमारा कम से कम 5 घंटे 6 घंटे हो गए इधर। 5-6 घंटे में आपका खाना पीना बाहर जाके कुछ नहीं है भाई साहब, हमें यहाँ बैठने तक की सुविधा नहीं है, पानी यहाँ पे धूप में बैठे हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, पानी के लिए भी मतलब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे पानी मतलब 50-50, 60-80 रुपए की बोतल आ रही है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस तरह की सुविधाएं आप एक्सपेक्ट करते हैं जब हम टिकट खरीदने जाते हैं या महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं, लेकिन इस तरह की कम से कम बैठने की पानी की ये सुविधाएं तो होनी चाहिए, ये भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट का भी इन पर दबाव नहीं है, इनका खुद का ही देश है और खुद का ही सब कुछ है। आपको ये काउंटर पर जो बैठे जवाब क्या मिल रहा है? ये तो बोल, पहले तो बोला कि 1 घंटे बाद में हो, उसके बाद में ये बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे आगे से ये मिला है, मुझे नहीं मालूम, ऐसे करके बाहर टाल रहा है, मुझे नहीं मालूम है भाई साहब, ये तो ये बोल रहा है। अब जो नंबर दिए हैं सर, उस नंबर पे भी कोई रिस्पांस नहीं है, जिस नंबर से कॉल गया था हमारे पास में कि बैग आ गया आपका, आप बैग कलेक्ट कर लेना, अब सर उस पे वापस कॉल कर रहे हैं कि कितनी बजे आना है, तो सर कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसके बाद में वो नंबर देखो, ये नंबर से हमें कॉल किया गया था, ठीक है, ये 16 तारीख को 6:45 पर बोला गया तुम्हारा लगेज इधर आ चुका है, तुम आके रिसीव करो। उसके बाद हमने बार बार उनको फोन ट्राई किया, कभी हमारा फोन रिसीव किया ही नहीं है, और अभी इन बंदों के सामने वही नंबर ये बंदे दे रहे हैं, इनके सामने हम उसी नंबर पर कॉल कर रहे हैं और कोई रिसीव नहीं कर रहा। हमारे इनसे बोला डायल करने के लिए नंबर, ये कर ही नहीं रहे, ये बोलते तुम डायल करो, यही हमारे नंबर है, तुम्हें बात करनी है तो करो, वरना तुम जाओ बाद में आओ। ये कोई तरीके ये Exactly. So that is obviously all the passengers narrating their ordeal. They've had to stand there outside the airport also for hours because of the flight delays which are being seen due to this outage. Dharani also live with us. Dharani, we saw reports from various cities, Mumbai, Delhi to Jaipur. What's the situation like there in Chennai? Because we believe in Chennai also, at the Chennai airport, over 20 flights had been disrupted or delayed due to this outage. Oh, we-
We are given to understand through the Chennai Airport Authority that almost 27 flights are facing delay because of this Microsoft outage. And so far, one flight between Chennai and Tiruchi that flies around 5:30 p.m. from Chennai is being cancelled because of this Microsoft outage. And this is mostly because, passengers are standing in long queues inside the airport because the boarding process is completely being done manually. The passengers are being given a handwritten boarding pass, and that is taking a longer time than usual, leading to longer queues inside the airport. And that is why the Chennai airport specifically is facing 27 flight delays, and one flight between Chennai and Tiruchi is at the moment cancelled. And it is not only the Chennai airport in Tamil Nadu, the other airports such as the Coimbatore airport, Madurai airport and Tiruchi airport, technical glitches are being reported from these airports too. And in these airports also, longer queues of passengers waiting in line to get their boarding passes are being seen. So you can see in the visuals over here, this is the outside of the airport. This is where the passengers enter the airport, and inside, if we can see, there's a huge chunk of passengers waiting there. And this is mainly because, as other reporters were also pointing out, this is because the boarding process is completely being done manually. And as far as Chennai airport specifically is concerned, it is the Indigo passengers, it is the Indigo flights that are facing this issue here majorly in the Chennai airport. Almost out of the 27 flights that are delayed, most of them belong to the Indigo Airlines. Of course, we also have flights from Akasa Air, Air India and SpiceJet, etc. But it is majorly Indigo Airlines and its passengers that are facing the issue over here. All right, Dharani, thank you for joining us with all these updates. We were so obviously multiple services, be it airports, banking sector, even the markets, etc., affected due to this Microsoft global out. We have our colleague who's also joining us from Jaipur. Gajraj is live with us. Gajraj, over to you. What's the scene like at the Jaipur airport? Are you seeing long queues there as well? Servers affected? What really is the ground situation like there? See, just a few minutes back, there was a queue at the departure gate right behind the camera person. I'll ask him to show the departure gate. That's the departure gate right there. And from there, people have been reaching to this particular counter of this private airlines. And right now, I'm with a few passengers, although few have already left the airport and people are just coming and leaving this particular spot, disturbed by the, nuisance that has been created by the, server issue here. We'll speak to them because they have been traveling from, 300 kilometers from Jaipur, and they have come from Nagaur, and they want to fly overseas, and now they also have baggage issues, and they have a word that if you're doing things manually, why their baggages can't come out. We'll speak to a few of them over the same. Kahan se aaye hum? Sir, Nagaur se aaye hain. नागौर से नागौर यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है. आपको इशू क्या रहा है? इशू ये है सर, हमारा बैग आया था 3 दिन पहले. तो उस समय जब बंदा हमारा ये बंदा है, ये सऊदी से आए थे, तो इनका बैग होल्ड कर लिया यहाँ पे. पहले तो इशू दिया गया था सिक्योरिटी रीजन कि कोई सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम आपका बैग होल्ड कर रहे हैं और चेकिंग करके हम आपको दे देंगे, 4 घंटे होल्ड रखो. तो हमने सर चार घंटे हमारा बंदा एयरपोर्ट पे भी रहा है, इतनी दूर से सऊदी से आए हैं सऊदी से, उसके बावजूद 4 घंटे यहाँ पे वेट किया है बैग के लिए. लेकिन 4 घंटे बाद में फिर यहाँ पे एक बंदा था, उन्होंने बोला है इनके एयरपोर्ट का, इंडिया एयरलाइंस का ही, तो इंडिगो का, तो उन्होंने ये कहा है कि आपका बैग सिक्योरिटी रीजन नहीं था, हमारी फ्लाइट लेट थी, इसकी वजह से हमने होल्ड किया है. तो एयरपोर्ट स्टाफ ही दो बात आपको बताना. एयरपोर्ट स्टाफ कुछ नहीं बोला. एयरपोर्ट जब हम आते ही तो बोला गया तुम्हारे बैग में कुछ ऐसा सामान होगा, उसकी वजह से तुम्हारा रोका गया है. 4 घंटे के बाद हम तुम्हारे कलरस दे देंगे. उसके बाद इन्होंने बोला, एक नंबर भी हमें दिया था, उस पर हमने कितनी बार कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. परसों शाम को फोन आता है 6 बजे, बोलता है तुम्हारा सामान इधर आ चुका है, आके तुम कलेक्ट कर लो. ठीक है, आज हम जब सुबह से आए हैं तो इधर उधर घुमा रहे, कभी बोलते सर्वर नहीं डाउन चल रहा है, फिर बोलता है तुम 1 घंटा बाद आओ, फिर हम 1 घंटा बाद आके फिर चेकिंग करता है, फिर एक दूसरा बैग लेके आते हैं, बोलता है ये बैग तुम्हारा, बोला हमारा बैग ये नहीं है, फिर बोलते तुम्हारा बैग इधर आया ही नहीं है. आप 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, लगभग एयरपोर्ट पे आप कितने घंटे से? हमारा कम से कम 5 घंटे 6 घंटे हो गए इधर. 5-6 घंटे में आपका खाना पीना बाहर जाके कुछ नहीं है भाई साहब, हमें यहाँ बैठने तक की सुविधा नहीं है, पानी यहाँ पे धूप में बैठे हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, पानी के लिए भी मतलब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे पानी मतलब 50-50, 60-80 रुपए की बोतल आ रही है. ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस तरह की सुविधाएं आप एक्सपेक्ट करते हैं जब हम टिकट खरीदने जाते हैं या महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं, लेकिन इस तरह की कम से कम बैठने की, पानी की ये सुविधाएं तो होनी चाहिए, ये भी नहीं है. ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट का भी इन पर दबाव नहीं है, इनका खुद का ही देश है और खुद का ही सब कुछ है. आपको ये काउंटर पर जो बैठे जवाब क्या मिल रहा है?
ये तो बोल पहले तो बोला कि एक घंटे बाद में हो, उसके बाद में ये बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे आगे से ये मिला है, मुझे नहीं मालूम, ऐसे करके बाहर टाल रहा है, मुझे नहीं मालूम है भाई साहब, ये तो ये बोल रहा है। अब जो नंबर दिए हैं सर, उस नंबर पे भी कोई रिस्पांस नहीं है, जिस नंबर से कॉल गया था हमारे पास में कि बैग आ गया आपका, आप बैग कलेक्ट कर लेना, अब सर उस पे वापस कॉल कर रहे हैं कि कितनी बजे आना है, तो सर कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसके बाद में कॉल किया गया था, वो नंबर देखो, ये नंबर से हमें कॉल किया गया था, ठीक है, ये 16 तारीख को 6:45 पे बोला गया तुम्हारा लगेज इधर आ चुका है, तुम आके रिसीव करो। उसके बाद हमने बार बार उनको फोन ट्राई किया, कभी हमारा फोन रिसीव किया ही नहीं है, और अभी इन बंदों के सामने वही नंबर ये बंदे दे रहे हैं, इनके सामने हम उसी नंबर पे कॉल कर रहे हैं, कोई रिसीव नहीं कर रहा। हमारे इनसे बोला डायल करने के लिए नंबर, ये कर ही नहीं रहे, ये बोलते तुम डायल करो, यही हमारे नंबर है, तुम्हें बात करनी है तो करो, वरना तुम जाओ, बाद में आओ।